गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड सर इवनिंग। हाँ पवन, कहाँ से हैं आप? बताएंगे कुछ अपने बारे में? माइक माइक तुम्हारा काम नहीं कर रहा है। माइक काम नहीं कर रहा तुम्हारा। हेलो, हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोलो। हाँ जी पवन, कहाँ से हो आप? बताएंगे कुछ अपने बारे में? हमारा आवाज बहुत कम आ रहा है यार, बहुत कम आ रहा आवाज है। आवाज नहीं आ रहा। एक बारी ना चेक करो, दोबारा से लॉग आउट करके ना दोबारा से चेक कर लो एक बारी, आवाज क्यों नहीं आ रहा है। नहीं, आवाज अभी भी नहीं आ रहा है, बहुत कम आवाज, आवाज है ही नहीं। एक बारी दोबारा से लॉग आउट करके ना दोबारा से लॉग इन करके देख लो, आवाज आ जाएगा दोबारा। अभी भी नहीं आ रहा है। माइक माइक में प्रॉब्लम है तुम्हारा कुछ, मेरे को लग रहा है। माइक में एक बारी दोबारा से चेक कर, आवाज कम आ रहा है, बहुत ज्यादा कम आ रहा है। बहुत कम है आवाज, एक बार ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, ये एक सेकंड है। हेलो सर, हाँ जी, हाँ जी बोलो। आ रहा है आवाज? हाँ अभी थोड़ा सा बेटर है पहले से। क्या करते हैं? महाराष्ट्र से हैं क्या? करते क्या पवन? किस, क्या 2022 में पास आउट करना है। जॉब, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। क्या जॉब प्रोफ बिल्डिंग में हो? हाँ सर, बिल्डिंग में हूँ सर, रेजिडेंशियल बिल्डिंग सर, फिनिशिंग आइटम। ओके, हाँ तो अभी सर, देखते क्या हो, एग्जीक्यूशन देखते हो साइट पे? चलो ठीक वेंडर्स की है, बिलिंग्स वो बिलिंग और पूरा सेट का एग्जीक्यूशन नहीं देखते सर। दो बिल्डिंग सर हमारे पास जी प्लस सेट है। बिलिंग देखते हो? अपना जो पूरा चलो कॉन्ट्रैक्टर, करना रहता सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग देखते हो? मतलब कॉन्ट्रैक्टर जो है। बिल हाँ सर, मेजरमेंट कॉन्ट्रैक्टर। वगैरह, मेजरमेंट वगैरह जो करता है उसको वो करते हो आप, चेक करते हो? चलो एक्चुअली ठीक, फोटो गेट से भी निकाल लेते हैं, पर अगर चलो ठीक, प्रोफेशनल तरीके से मानते सर, एज पर आईएएस बोर्ड उसके हिसाब से नहीं मानते। चलो कोई नहीं, ठीक है। चलो यार, अब तक भाई हमने जो किया है उसमें कोई डाउट है अब तक किसी को? पिछली बार तो कुछ, अब तो दो क्लास हुई हैं, उसमें हमने कुछ ज़्यादा डिस्कस किया नहीं है। उनको जाके, जिसने भी नया ज्वाइन किया वो जाके अपना जो है उसमें ज्वाइन कर लेना, उसमें तुम्हें हाँ मिल सर, हाँ जाएगा, सर, है ना? उसमें दो, पिछली दो क्लासेस हुई हैं उसमें जाके रिव्यू कर लेना, फिर जो है हम जो है उसको करेंगे कंटिन्यू। ठीक, चलो अभी हम ओके लोग, सर, ओके सर। ठीक, अभी हमने लास्ट टाइम पे हमने क्या किया था? लास्ट टाइम पे जो है हमने अपना स्टार्ट किया था एस्टिमेशन के बारे में। ठीक है जी, हमने स्टार्ट किया था एस्टिमेशन के बारे में कि हम लोग एस्टिमेट कैसे करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, एस्टिमेशन कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था, एस्टिमेशन कैसे करेंगे। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं कि फुटिंग वगैरह का जो हमने लास्ट टाइम पे किया था, सीट जैसे बनाते हैं हम लोग नॉर्मली उसी हिसाब से करते हैं आज। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम पे हमने साइजेस वगैरह
मैं कोई दिक्कत तो नहीं है, साइज वगैरह आपको पता है साइज कैसे लेना है? पीसीसी से जो है, आरसीसी से पीसीसी का साइज खुद ब खुद निकालना पड़ेगा, ठीक? आरसीसी ही हमारा जो है वो पीसीसी का साइज आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, आज हम कंटिन्यू करते हैं इसमें जो है हम लोग फुटिंग का, फुटिंग कंक्रीट फुटिंग का। ठीक, तो फुटिंग में हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था F1, तो हम क्या लिखेंगे टाइप, ठीक है? फिर क्या लिखते हैं यहाँ पर, लेंथ नंबर्स लिखते हैं, लेंथ विड्थ हाइट कंक्रीट क्वांटिटी, ठीक है? फिर हमारा आता है शटरिंग, फिर जो है बिटुमिन पेंट, पॉलिथीन शीट, और फिर लास्ट में एंटी टर्माइट, ठीक है? टाइप में हमारा क्या आएगा यहाँ पर, F1, F2, F3, और यहाँ पर लिख देते हैं टोटल और यूनिट और रिमार्क्स, ठीक है? ये रिमार्क्स नंबर्स में मान लीजिए हमने कितने किए, 3, 7 और 10 12। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ अरे क्यों नहीं आता है, यूपीआई का ऑप्शन आता तो है उसमें। हाँ तो वो प्ले स्टोर से ही होता है ना, क्योंकि ये जो है ये यूट्यूब जो है प्ले स्टोर के थ्रू ही पेमेंट लेता है, ठीक है? हाँ ठीक, हाँ अगर आपको कंटिन्यू करना हो तो कर लेना, नहीं तो वो कर सकते, डिसकंटिन्यू कर सकते हो आप। हाँ, ठीक है, चलिए ओके। ठीक है, लेंथ क्या हमारा, अब मान लीजिए लेंथ हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, 2 मीटर बाई 2 मीटर का हमारा, ये हम किसके लिए कर रहे हैं, पीसीसी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, पीसीसी के लिए कर रहे हैं। हाइट थिकनेस हम ले लेते हैं 0.15 के ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं 2.4 ले लेते हैं, ठीक है, 2.4, 0.15, और इसका ले लेते हैं 2.8, 2.8 बाई 2.8 और 0.15, ठीक है जी। उसके बाद अब कंक्रीट का फॉर्मूला क्या होगा भाई, हमारा कंक्रीट का फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई लंबाई गुना चौड़ाई गुना हो जाए, एल इंटू बी इंटू एल गुना एच बी गुना इंटू एच। एच इंटू नंबर्स, ठीक है? नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, एल इंटू बी इंटू एच इंटू नंबर्स, ठीक है? तो हमारा लेंथ कितना है, हमारा सपोज करो 2 इंटू 0.15 इसमें डाल देंगे और नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर है हमारे 3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका यूनिट यहाँ हम लिखेंगे लास्ट में मीटर क्यूब, ठीक है, क्यूबिक मीटर में हमारा कंक्रीट आ जाएगा। शटरिंग कहाँ कहाँ लगेगा, पीसीसी के केस में शटरिंग लगेगा चारों साइड पे, ठीक है ना? तो यहाँ लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा। टॉप से भी लगेगा क्या, टॉप से तो नहीं लगेगा ना, ठीक है? तो स्क्वायर और रेक्टेंगल जो होगा हमारा, ये और ये साइड अपोजिट साइड सर इक्वल, और ये अपोजिट साइड सर इक्वल, ठीक है? मतलब स्क्वायर होंगी तो चारों साइड बराबर हो गई, रेक्टेंगल हो गई तो ये वाली जो है ये एल के बराबर होगी, ये वाली बी और ये वाली भी बी बराबर होंगी दोनों, है ना? दो अपोजिट साइड इक्वल होंगे। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, हम लोग चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, आप यही फॉर्मूला लगाओगे, एल प्लस बी इंटू टू इंटू एच इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देना नंबर से, ठीक है जी? हमें एक ही बारी में निकल जाएगा। अब देखो ये तो हो गया हमारा शटरिंग का, ठीक? अब हमारा बिटुमिन पेंट, मालूम है किसी को क्या होता है, बिटुमिन पेंट मालूम है? हाँ भाई मालूम है, बिटुमिन पेंट करवाया कभी, बिटुमिन पेंट? डीपीसी के ऊपर प्रोटेक्टिव कोट मारते सर, वो हाँ, मतलब डीपीसी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग हम लोग करते हैं, जैसे बिटुमिन होता है सेम उसी टाइप से, ब्लैक कलर का या ग्रेइश कलर का जैसे भी आता है वो, मार्क कलर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन उसका पर्पस क्या होता है, मेन उसका पर्पस होता है जो भी हम लोग सब स्ट्रक्चर के जो हमारे आइटम्स हैं, जैसे आरसीसी मटेरियल है या फिर कोई कंक्रीट मटेरियल है, उसको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि
कल की डेट में क्या होगा, जब हम लोग बैक फिलिंग करेंगे ना यहाँ पर, जब बैक फिलिंग करेंगे तो इसके कांटेक्ट में क्या आएगा, सॉइल के कांटेक्ट में आ जाएगा हमारा पीसीसी आरसीसी सब सॉइल के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, जब सॉइल के कांटेक्ट में आएगा तो उसके खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि फिर मॉइस्चर भी होता है, केमिकल्स भी होते हैं जमीन में, ठीक है ना। तो उसकी वजह से हमारा जो आरसीसी मेंबर्स है या पीसीसी कंक्रीट मेंबर जो है बेसिकली, वो खराब ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ना बिटुमिन पेंट से कोट कर देंगे, जैसे इधर कोट कर दिया, इधर कोट कर दिया, चारों तरफ से कोटिंग कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा ये पीसीसी है, पीसीसी के ऊपर क्या आएगा, फुटिंग आएगा, फुटिंग आएगा, ठीक है ना। पीसीसी के ऊपर फुटिंग आएगा, आरसीसी फुटिंग, तो ये जो बैलेंस एरिया बच गया ना हमारा फुटिंग के बाद, उस एरिया को भी हम लोग प्रोटेक्ट कर देंगे, उस एरिया को भी प्रोटेक्ट कर देंगे, ताकि हमारा जो है ऊपर से भी वो प्रोटेक्ट हो जाए। यहाँ से तो पीस आरसीसी रहेगा तो वो तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली हम उस पर भी बिटुमिन पेंट करेंगे बाद में, लेकिन जो ये बैलेंस एरिया बच गया पीसीसी माइनस आरसीसी, तो उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, बिटुमिन पेंट से कवर कर देंगे, ठीक है। समझे, समझे भाई कि नहीं समझे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे, हम यहाँ लगाएंगे क्या चीज, शटरिंग एरिया, शटरिंग एरिया, शटरिंग एरिया प्लस क्या चीज, पीसीसी एरिया, पीसीसी एरिया, पीसीसी एरिया माइनस आरसीसी एरिया, आरसीसी एरिया, आरसीसी फुटिंग, आरसीसी एरिया मतलब, ठीक है ना, एरिया, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप किससे, नंबर से। ये समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। पीसीसी एरिया माइनस आरसीसी एरिया, देखो यार ये आपकी ये एक फुटिंग है, ठीक है, ये पीसीसी है सपोज, ठीक है, ये पीसीसी है, ये आरसीसी इसके ऊपर रख दिया। अब क्या हुआ, जब मैंने आरसीसी इसके ऊपर रखा तो ये एरिया बच गया ना, चारों तरफ का ये एरिया बच जाएगा 100 mm का। भाई हमने क्या कहा था, पीसीसी जो है आरसीसी से बड़ी होती है, ठीक है ना, पीसीसी जो है आरसीसी से बड़ी होती है। ये अगर हम प्लान की बात करें, टॉप व्यू प्लान की, तो ये पीसीसी है हमारी, ये पीसीसी है और ये आरसीसी है। तो ये जो बैलेंस एरिया बच गया ना आपका, ये वाला एरिया की बात कर रहे हैं हम, ये जो एरिया बच गया ना, तो पीसीसी एरिया माइनस आरसीसी एरिया, ठीक है, समझ गया, क्लियर है ये। अब तो ये हमने ऐड किया पीसीसी एरिया माइनस आरसीसी एरिया, शटरिंग में क्या आ गया, शटरिंग में तो साइड्स का एरिया आ गया, शटरिंग में साइड्स का एरिया आ गया, और उसके बाद जो है टॉप वाला एरिया हमने इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है जी, इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक। अब इसके बाद आएगा पॉलिथीन शीट, अब इसमें फॉर्मूला डाल दोगे आप, इसमें वैल्यू डाल दोगे, आपको पता है हमारा पीसीसी का ये आरसीसी का साइज क्या होगा, अगर हमारा पीसीसी का साइज 2 मीटर बाय 2 मीटर है तो आरसीसी का साइज क्या होगा, अगर 100 mm छोटी है तो आरसीसी का साइज क्या होगा भाई, क्या होगा, 19 1.8 बाय 1.8, है ना, ठीक है, 1.8 बाय 1.8 हमारा आरसीसी का साइज होगा, ये हमारा क्या होगा आरसीसी का साइज। ऐसे ही इसके केस में कितना होगा, 2.4, 2.2 बाय 2.2, इसके केस में कितना होगा, 2.6 बाय 2.6, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें डाल दिया आपने, अब पॉलिथीन शीट कहाँ कहाँ लगेगा, पॉलिथीन शीट देखो हम लोग जनरली हम लोग यहाँ पर लगाते नहीं है पॉलिथीन शीट को, हम लोग यूज नहीं करते, भाई अपना माइक म्यूट कर दो यार, हम लोग यहाँ पर लगाते नहीं है पॉलिथीन शीट को, बट वी हैव टू यूज पॉलिथीन शीट ऑल्सो, बिकॉज पॉलिथीन शीट कोई बहुत कॉस्टली आइटम नहीं है हमारा, बहुत कॉस्टली आइटम नहीं है, बट इट्स गिव अस अ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेफ्टी, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, जो भी हमारा सब स्ट्रक्चर वर्क है वो कल की डेट में क्या हो जाएगा, जमीन के नीचे दब जाएगा, अगर मान लो एक मेम्ब्रेन फेल हो भी गई तो दूसरी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन उसको प्रोटेक्ट करेगी। मतलब पीसीसी है, पीसीसी के बाहर से आपने पॉलिथीन शीट लगाया, पॉलिथीन शीट के बाहर क्या लगाया, उसके अंदर बिटुमिन पेंट है, तो दो लेयर हमने दे दिया ना प्रोटेक्शन का, और पॉलिथीन शीट कोई इतना कॉस्टली आइटम तो है नहीं, सस्ता आइटम है, तो व्हाई नॉट वी सजेस्ट टू आवर क्लाइंट कि वी हैव टू यूज पॉलिथीन शीट सो दैट आवर स्ट्रक्चर विल इंक्रीज हिज लाइफ, ठीक है ना, उसकी लाइफ जो है, अगर आपका पॉलिथीन शीट लगाना, अब पता है पॉलिथीन शीट एक नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम है, वो सड़ता नहीं है जमीन में जल्दी से, तो अगर हम पॉलिथीन शीट यूज कर रहे हैं तो 5 से 10 साल अगर हमारे स्ट्रक्चर की जो है कॉस्ट लाइफ बढ़ रही है, तो उसको यूज करने में बेनिफिट ही है, नुकसान तो है नहीं कुछ, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है पॉलिथीन शीट को यूज कर लेंगे, ठीक। अब पॉलिथीन शीट कहाँ कहाँ लगेगी, पॉलिथीन शीट जहां पे हमने जिस एरिया पे हमने वो लगाया है क्या बिटुमिन पेंट लगाया है उस एरिया पे तो लगा ही के बिटुमिन लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले क्या है, ये सॉइल है, ये आपकी सॉइल है, सॉइल के ऊपर हमने क्या करना है पॉलिथीन शीट बिछा देना है, फिर हमने क्या किया पीसीसी किया, फिर
बाकी का प्रोसेस आगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉलिथीन शीट बिछा देंगे फ्लोर पे, पॉलिथीन शीट बिछा के फिर पीसीजी का फ्रेम लगा के फिर पीसीजी कास्ट करेंगे। ठीक है ना, तो हमारा ये इसमें क्या आएगा, हमारा बिटुमिन पेंट एरिया, बिटुमिन पेंट एरिया, बिटुमिन पेंट एरिया प्लस एरिया ऑफ पीसीसी, एरिया ऑफ पीसीसी इंटू नंबर्स, इंटू नंबर्स। समझे भाई, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो, बिटुमिन पेंट के एरिया में आपका साइड और टॉप दोनों आ गए, साइड और टॉप आ गया, फिर जो है अब पीसीसी का एरिया निकाल दिया, मतलब बॉटम का एरिया भी आपने उसमें ऐड कर दिया। ठीक है भाई, आया समझ में? ये आया भाई, क्लियर है? ये इतना क्लियर है? ठीक है, पॉलिथीन शीट सर बिटुमिन पेंट के पहले लगेगी। देखो पॉलिथीन शीट क्या है, आपने पॉलिथीन शीट खोल के रखा हुआ है, खोल के रखा हुआ है, अभी लपेटा नहीं है, खोल के रखा हुआ है। जब आप बिटुमिन पेंट कर दोगे तब उसको रैप करोगे, जैसे जैसे कोई भी गिफ्ट पैक करते हो उस तरह से रैप करोगे, जैसे हमारा स्ट्रक्चर चलता जाएगा ना ऊपर, वैसे वैसे हम उसको रैप करते जाएंगे पॉलिथीन शीट को। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इसका। अब इसमें एक आइटम है हमारा एंटी टर्माइट। एंटी टर्माइट क्या होता है भाई, एंटी टर्माइट क्या होता है? कीटाणु को मारने वाला सर, कौन से फाउंड कीटाणु, खुदाई के बाद सर, लाइबॉय वाले जो कीटाणु? मतलब जी जो जो ये करते हैं सर, क्या बिल्डिंग मतलब स्ट्रक्चर को मतलब हानि हानि नहीं पहुंचाए। एंटी टर्माइट का मतलब होता क्या है, टर्माइट क्या होते हैं, टर्माइट क्या होते हैं? टर्माइट होते दीमक, दीमक। जी ठीक है, तो जमीन के नीचे भी दीमक होती है, वो दीमक जो है अगर हमारे स्ट्रक्चर पे लग गई तो वो स्ट्रक्चर को कहते हैं ना एक, वो एकदम खोखला कर देगी, खराब कर देगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नीचे पहले क्या करते हैं, एंटी टर्माइट करते हैं। जो जो जमीन होती है ना, जैसे बेस है, सॉइल है, सॉइल पे या तो इंजेक्शन डालते हैं, इंजेक्शन से ग्राउट वो करते हैं हम लोग, एंटी टर्माइटिंग करते हैं। ठीक है, या तो फिर आप स्प्रे मारते हो, एंटी टर्माइट स्प्रे करते हैं, तो वो स्प्रे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो कहाँ करेंगे, वो जहां पर आपका एंटी एरिया होगा, तो जहां पर मतलब पीसीसी एरिया पे ही, पीसीसी एरिया, जो पीसीसी का एरिया है वही आपका जो है एंटी टर्माइट, उसी एरिया पे हम लोग करेंगे। ठीक है, पीसीसी का जो एरिया है वो उसी एरिया को नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप उस जगह पे एंटी टर्माइट कर दोगे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आता है आपका सोलिंग, जी सोलिंग, सोलिंग, सोलिंग समझते हो ना, ब्रिक बैट के टुकड़े ये हम बिछाते हैं, ईंट के टुकड़े जो होते हैं वो लेवल करने के लिए, एक 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 हार्ड लेवल देने के लिए वो करते हैं। तो अगर 100 mm थिक है, वो 100 mm थिक है, अगर उसकी थिकनेस 100 mm की है, तो हम क्या करेंगे, पीसीसी एरिया, पीसीसी का एरिया से मल्टीप्लाई कर दो थिकनेस को 0.15 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर से, तो वो क्या आ गया आपका, सोलिंग का वॉल्यूम आ गया, सोलिंग का वॉल्यूम आ गया। भाई देखो इसमें फुटिंग का जो है कंक्रीट क्वांटिटी तो क्या होगा, इसका यूनिट मीटर क्यूब होगा, शटरिंग का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा, बिटुमिन पेंट का भी क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा, पॉलिथीन शीट का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा, एंटी टर्माइट का यूनिट भी क्या होगा, मेजरमेंट यूनिट मीटर स्क्वायर, और सोलिंग का यूनिट मीटर क्यूब। ठीक है, एरिया इंटू थिकनेस कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है भाई, एरिया इंटू थिकनेस कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा आपका। ठीक, क्लियर है ये? हाँ जी, हो जाएगा ना, इसमें कोई डाउट है या आगे बढ़ूं मैं? देखो क्या है ना, देखो सर एक बार ऑर्डर, इसको इसको परफॉर्म करने का ऑर्डर क्या होगा सर, यदि एक्सकेवेशन कर लिया, फुटिंग को एक्सकेवेट कर लिया सबसे पहले शटरिंग पहले लगाने से सबसे पहले पहले? एंटी टर्माइट होगा, सबसे पहले एंटी टर्माइट होगा, फिर सोलिंग होगी, फिर पॉलिथीन शीट बिछाई जाएगी, पॉलिथीन शीट बिछाने के बाद पीसीसी होगी, फिर जो है उसके पीसीसी होने के बाद फिर बिटुमिन पेंट होगा, फिर पॉलिथीन रैप होकर ऊपर चलती जाएगी, ये होगा प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें ये तो हो गया, अब इसके बाद जो है 1.8, 2.8, 2.6। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। अब इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, आरसीसी, आरसीसी फॉर फुटिंग, आरसीसी फॉर फुटिंग, उसकी भी शीट सेम ही बनेगी हमारी, टाइप, टाइप, नंबर्स, लेंथ, विड्थ, हाइट, कंक्रीट क्वांटिटी, शटरिंग,
पेंट, पॉलिथीन शीट, ठीक है। अब यहाँ पर एंटी टर्माइट और हमारे वो आइटम नहीं आएगा, क्या एंटी टर्माइट और सोलिंग नहीं आएगा, ठीक है, वो दो आइटम नहीं आएंगे। टाइप में हम लोग वही लिखेंगे F1, F2, F3, टोटल और यूनिट और नंबर्स, सॉरी रिमार्क्स, रिमार्क्स, ठीक। नंबर में क्या आएंगे हमारे 3, 7, 2, उसके बाद लेंथ क्या थी हमारी 1.8, 1.8, इसकी थी 2.2, 2.2, वही हम लेके चल रहे हैं पीछे जो हमने लिया था, इसकी थी 2.6, 2.6, ठीक है। थिकनेस इसकी ले लेते हैं 0.5 मीटर, 0.5, 0.5 और 0.5, ठीक है जी। कंक्रीट क्वांटिटी का फॉर्मूला वही रहेगा, एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच इंटू नंबर्स, ठीक है। शटरिंग का वही फॉर्मूला लगेगा, एल प्लस बी इंटू टू इंटू एच इंटू नंबर्स, ठीक है, इसका ये रहेगा। बिटुमेंट पेंट, अब बिटुमेंट पेंट में क्या होगा, जैसे हमने क्या किया था, हमने पहले पहले वाले केस में क्या किया था, आर पीसीसी माइनस, ये हमारा सपोज करो पीसीसी है, ये हमारा पीसीसी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम क्या था, आरसीसी, ये आरसीसी है, ठीक है, ये आरसीसी हो गया हमारा। अब आरसीसी के ऊपर क्या आता है, आरसीसी के ऊपर क्या आएगा हमारा, कॉलम, नेक कॉलम, ग्राउंड भी जो पेडिस्टल कॉलम होता है वो आएगा, ठीक है, नेक कॉलम बोलते हैं हम उसको, नेक कॉलम, ठीक है, ये आएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हमें क्या चाहिए, बिटुमेन पेंट मतलब शटरिंग एरिया, शटरिंग एरिया प्लस क्या करेंगे यहां पर, आरसीसी एरिया, आरसीसी एरिया माइनस नेक कॉलम एरिया, नेक कॉलम एरिया, ठीक है, नेक कॉलम एरिया इंटू नंबर्स। अब मैं एक चीज बताया, तो जहां पर आपका F1 है वहां पर आपका C1 है, यहाँ पर आपका F2 है वहां पर आपका C2 है, जहां पर आपका F3 है वहां पर C3 है। C1 का साइज क्या ले लो, C1 का साइज ले लो आप 0.4 बाई 0.4 एल इन टू बी, ठीक है, और इसका ले लो 0.6 बाई 0.6, इसका ले लो 0.8 बाई 0.8, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है वैल्यू आप डाल दोगे, शटरिंग एरिया तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा, पीसीसी एरिया क्या है हमारा, पीसीसी का जो सॉरी आरसीसी का एरिया 1.8, 1.8 बाई 1.8, ठीक, इसको माइनस कर दो क्या 0.4 बाई 0.4, 0.4 बाई 0.4, और इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देना सॉल्व करने का, कैसे नंबर कितने हैं 3, ये आ जाएगा। पॉलिथीन शीट एरिया सेम एज बिटुमिन पेंट, सेम एज बिटुमिन पेंट एरिया, ठीक है, जो आपका बिटुमिन पेंट का एरिया आएगा वही आपका किसका आएगा, पॉलिथीन शीट का एरिया भी आएगा, ठीक है भाई, आया समझ में ये है, ठीक है। देखो क्या है, एक दूसरे से लिंक है सारी चीजें, एक दूसरे से लिंक रहती है। अगर हमने जैसे लास्ट टाइम पे मैंने एक्सेल सीट दिखाई थी, तो उसमें क्या था, आपने एक जगह वैल्यू चेंज करी, ऑटोमेटिकली ही सब जगह वैल्यू चेंज हो जाएगी। आपने अगर फॉर्मूला सही डाल रखा है ना, तो वो ऑटोमेटिकली ही सब जगह सही होता चला जाएगा, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा माइंड में रख के चलना है, यार मैंने कोई चीज कौन सी चीज कहाँ से लिंक कर रखी है। अगर लिंकिंग सही होगी तो अपने आप ही एक जगह पे ही एक साइज से ही सब कुछ अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही सही होता चला जाएगा, ठीक है भाई, आया समझ में ये इसमें सर एंटी टर्माइट क्यों नहीं कर रहे? भाई। ये सॉइल के टच में थोड़ी ना है, ये तो पीसीसी के ऊपर है, एंटी टर्माइट वहां होगा ना जहाँ सॉइल के टच साइड में हो गए, साइड नीचे से, नीचे से सॉइल के टच में हो गए डायरेक्टली। सर कर्व, इसकी सर कर्व सरफेस एरिया जहां पे शटरिंग लग रही है वहां पे तो सर सॉइल के टच में आएगा जहां पे तो भाई प्लास्टिक आप वहां पर लगा रहे तुम हैं। तो बिटुमिन पेंट और पॉलिथीन शीट नहीं कर रहे हो, वहां तो बिटुमिन पेंट और पॉलिथीन शीट से प्रोटेक्ट कर रहे हो ना, और क्या कर रहे हैं हम, वो चीजें तो कवर कर ही रहे हो, उसको प्रोटेक्ट कर ही रहे हो। पीसीसी के केस में इसलिए किया था क्योंकि पीसीसी के केस में हम लोग नीचे जो है हम लोग डायरेक्टली बिटुमिन पेंट नहीं कर पा रहे थे उस जगह पे, क्योंकि वहां तो ऑलरेडी जब पीसीसी है नीचे से ओपन ही रहेगा ना, मान लो पॉलिथीन शीट अगर तुम्हारा फट गया या कुछ भी हो गया, तो और से प्रोटेक्टिव लेयर है ही नहीं कुछ इसके लिए, ठीक है, ठीक है भाई। यहां पर ये हो गया, हो जाएगा ना ये, ठीक है, हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक कॉलम का, नेक नेक कॉलम, ठीक है, सेम उसी तरफ से बनेगी हमारी, किसकी, यहां लिखेंगे हम लोग टाइप, लेंथ, साइप, नंबर्स, लेंथ, विड्थ और हाइट, और कंक्रीट क्वांटिटी शटरिंग, बिटुमेन पेंट और पॉलिथीन शीट, ठीक है जी। यहाँ क्या लिखेंगे, टाइप में NC1, NC1, NC2,
और NC3 और टोटल और यूनिट, टोटल यूनिट और रिमार्क्स, ठीक है, रिमार्क्स। नंबर्स कितने हैं? 3, 7, 2। इसका साइज क्या लिया था हमने? 0.4 बाई 0.4। इसका ले लो कितना? 0.6 बाई 0.6, और इसका 0.8 बाई 0.8, ठीक है जी। हाइट कितना ले लो? इसका 1 मीटर हाइट ले लेते हैं हम लोग, इसका भी 1 मीटर, इसका भी 1 मीटर। तो कंक्रीट क्वांटिटी क्या होगा? एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच और इंटू नंबर्स। शटरिंग का क्या होगा? एल प्लस बी इंटू टू इंटू एच, और इसको मल्टीप्लाई कर देना किससे? नंबर से। इस केस में क्या होगा? अब देखो क्या होता है, ये आपका कॉलम है, नेक कॉलम है, नेक कॉलम के ऊपर क्या आएगा हमारा? ग्राउंड बीम आएगा, ग्राउंड बीम, ठीक है। अब इसमें तो कोई चीज वॉल्यूम माइनस नहीं हो रहा है ना, जैसे पीसीसी में आरसीसी का वॉल्यूम माइनस हो रहा था, आरसीसी में से नेक कॉलम का वॉल्यूम माइनस हो रहा था, तो इस केस में कुछ माइनस नहीं होगा। इसमें इसमें क्या होगा? बिटुमिन पेंट क्या होगा? सेम एज बिटुमिन पेंट का एरिया, सेम एज शेटरिंग, शेटरिंग एरिया, ठीक है, इसमें भी सेम, ठीक है जी, ठीक है भाई, ठीक। अगर सपोज करते हैं, अगर हमारा कॉलम, अगर हमारा कॉलम सर्कुलर है, सपोज करते हैं सर्कुलर कॉलम है, सर्कुलर कॉलम, ठीक है, और उसका डाया जो है कॉलम का 0.8 मीटर है, डायामीटर इज इक्वल टू 0.8 मीटर, 0.8 मीटर, ठीक है, और हाइट हमारी 1 मीटर की है, हाइट 1 मीटर की है, 1 मीटर हाइट है, 1 मीटर। तो भाई मुझे कंक्रीट और शटरिंग निकाल के बता दोगे कितना आएगा? सर्कुलर कॉलम है अगर आपका, तो कंक्रीट और शटरिंग निकाल के बताओ सर्कुलर कॉलम का क्या आएगा? डायमीटर मैंने आपको बता दिया है, कंक्रीट हाइट भी बता दिया है, जरा कंक्रीट और शटरिंग निकाल के बताओ सर्कुलर कॉलम की कितनी आएगी? हाइट कितनी है सर? 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक निकालो भाई, क्या देख रहे हो? करो, तो पेपर पेन नहीं है क्या साथ में? अरे पेपर एक बार पेन बता दीजिए फिर कैलकुलेटर से। लेके बैठा करो, करके बताओ मुझे कितना आएगा कंक्रीट सर्कुलर कॉलम का? पॉइंट तो डाया कितना है सर कॉलम का? फाइव 0.8 मीटर बताया ना, 0.8 मीटर, 0.8 मीटर डायमीटर है, पॉइंट फाइव 0.5 MQ, 0.5 MQ, कंक्रीट आ रहा आपका 0.5, 0.5 MQ। ठीक है, और शटरिंग? एक मिनट, 2.512, 2.512, 2.512, क्या क्यूबिक मीटर? क्यूबिक मीटर, क्यूबिक स्क्वायर मीटर, मीटर, स्क्वायर स्क्वायर मीटर। हाँ यूनिट बताया करो यार, यूनिट बताया करो हमें साथ में, ठीक है। हाँ जी, सबका यही आ रहा है, सही है, हैं, सही है। फॉर्मूला क्या लगाया? पाई आर स्क्वायर इंटू एच है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक, यस। और 2 पाई आर इंटू एच सर्कुलर, ये आपका शटरिंग का हो गया एरिया, ठीक है, 2 पाई आर इंटू एच, ये आपका एरिया जाएगा सर्कुलर कॉलम का, ठीक, ठीक है भाई। तो ये इस तरीके से होगा। देखो अब तक हम लोग जो है, जो हमने अब तक कैलकुलेट किया, इसमें हमने क्या कैलकुलेट किया? जब हमारे पास सिमिलर टाइप के जो स्ट्रक्चर होते थे, मान लो हमारा फुटिंग जो है 4 फुटिंग है, उनका सेम जो है 4 फुटिंग, मतलब 10 12 फुटिंग थे ना, तो 12 में से 3 एक टाइप की थी, मतलब एक साइज की थी, 7 एक साइज की और 2 एक साइज की थी। तो हमने क्या किया? नंबर काउंट किए, क्या किए? नंबर काउंट किए। बिम के केस में क्या करते हैं? बिम के केस में क्या करते हैं? बिम, बिम, अगर ये हमारा बिम है, सपोज करते हैं ये बिम, बिम का ड्राइंग है हमारा, ठीक है, ये बिम का ड्राइंग है, ठीक है भाई, ये बिम है हमारा,
इस केस में क्या करेंगे हम लोग, इस केस में क्या करेंगे, इस केस में कैसे करेंगे इसको? अगर ये बिम है, मैं ये ड्राइंग ना अभी आपको ग्रुप में भेज रहा हूं, जरा मुझे इसकी सोचो, जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है? इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये बताओ, ठीक है? चलो ये मीटिंग ओवर कर रहा हूँ, 5-7 मिनट में मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, जब तक आप सोचो। L1 L2 साइज दे रखे हैं, देखो एल GB1 का साइज दे रखा है, GB2 का साइज दे रखा है, GB3 का साइज दे रखा है, ठीक है? हाउ वी विल कैलकुलेट दिस, ठीक? जरा ये करके देखो, 5-7 मिनट में भेज रहा हूँ लिंक।